महाधातु का अर्थ है पूजा, महिला शब्द का अर्थ है पूजा योग्य, पूज्य महिला शब्द का अर्थ है, स्त्री स्त्री नहीं है, श्री है ऐसा कहता है शास्त्र। अगर घर में स्त्री सुखी नहीं रहती, रोती है, बोल नीचे गिरते हैं, आंसू नीचे गिरते हैं, वो घर बर्बाद हो जाएगा, अस्तव्यस्त हो जाएगा, वो वंश टिकेगा नहीं, वो शास्त्र कहता है ऐसा। इतनी मर्यादा, इतनी इतना इज्जत हमारी परंपरा में हमारे पूर्वज ने स्त्रियों को दिया, इसका सीमा नहीं है। तो उसका प्रभाव है, भगवान राम मारने के जैसा युद्ध नहीं कर रहे, तो विश्वामित्र आदेश करते हैं, नहीं ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है, ये मारना ही उचित है। अगर ये जीवित रहे, ये जीवित रहे तो हजारों लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग दुखी होंगे इसके कारण, इसलिए पाप नहीं है, तो मार देना। फिर उनके आदेश के अनुसार ताड़का का संहार करते हैं राम जी। हम बहुत बार सोचते हैं अगर शूर्पण का प्रकरण में विश्वामित्र रहते थे तो रावण नहीं होता था, शूर्पण का को मारा नहीं है रावण, ताकि अपराध वैसा था, मारने के जैसा अपराध था, सीता को मारना चाहते थे शूर्पण का, सीता संहरण का उद्देश्य था, तो राम मेरे साथ आएगा ऐसे चाहते होते। आतताई जो शस्त्र उठा के आता है हमारे ऊपर, उनको उनका वध करना है, कर सकते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है। तो वध योग्य मरण योग्य था, थी वो शूर्पण का, तो कंसेशन करके, तो इनको सौंदर्य का भ्रम है, तो इनको विरूपण करके भेजो, इसे कहते हैं वो स्त्री कारण ही हो। बहुत बार सोचते हैं यहाँ विश्वामित्र जी को रहने कहते हैं, रहने से शूर्पण का संहार होता था परंतु तो रावण संहार नहीं होता था, इसलिए नहीं रहे हो। विश्वामित्र का पात्र वहां तक सीमित थे, शादी थे, शादी के शादी से आगे नहीं, शादी करके फिर चले जाते हैं। ताड़का संहार हो गया, फिर अद्भुत अस्त्रों का उपदेश देते हैं विश्वामित्र जी भगवान राम को, अद्भुत अस्त्रों का कुछ नाम लेते हैं हम, समझना मुश्किल है, विवरण देना उतना इतना समय भी नहीं है। महादंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, वज्रायुध, ब्रह्मशिर, ऐशिक, ब्रह्मास्त्र, मोदकी, शिखरी, दो गदाएं, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, दो तरह का अश्नी, बिजली कह सकते हैं जिसको, शुष्क और आर्द्र, पिनाकास्त्र, नारायणास्त्र, शिखर, शिखर नाम का आग्नेयास्त्र, प्रधन, हयशील, क्रौंच, विष्णु शक्ति, कंकाल, मुसल, कापाल, कंकण, ऐसे तरह तरह का उपदेश देते हैं विश्वामित्र जी। तो सारे देवताएं, अत्र देवताएं खड़े होते हैं राम जी के सामने, हम सब किंकर है प्रभु, आज्ञा करो, क्या आज्ञा। राम जी इतना सही है, राम जी का मन में रहे, जब आवश्यकता पड़ेगी तब बुलाऊंगा, तब याद करूंगा, रहे मन में उतना पर्याप्त। वो सब दिव्य शक्तियां थे, देवताएं थे। अब महाभारत में देखो अर्जुन को कुछ दिव्यास्त्र मिलते हैं, वो आके धर्मराज के सामने, युधिष्ठिर के सामने प्रयोग करना शुरू करता है, आके तो ये दिखाना प्रदर्शन शुरू करता है, तब सब व्यास जी, नारद जी, सब बाकी तो रोकते हैं, ऐसा नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना, संयम रखो, जब आवश्यकता पड़ती है ऐसे आदमी के ऊपर, मतलब अगर दुश्मन भी है वो कम योग्यता के हैं तो उतना बड़ा अस्त्र का उपयोग नहीं करना, संयम के साथ जिनके ऊपर दोस्त प्रयोग करना चाहिए उन्हीं के ऊपर करना। कहते हैं यहाँ तो राम इतना संयमवान है, तो कहते हैं अस्त्र देवताओं को मन में रहे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो स्मरण करूंगा, तब आ सकते हैं। तो भगवान विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर आगे जाते हैं, सिद्धाश्रम में जाते हैं, आगे सिद्धाश्रम राम का पूरा आश्रम है। कैसे? वामन का आश्रम था, वामन आश्रम, वामन त्रिविक्रम बने वैसा स्थान था, वामन तपस्या किया जहां,
जानता हूं भगवान राम भी वामन रूप में आए थे वहां, जब सिद्धाश्रम में आए, जब वहां से प्रकट हुए निकले त्रिविक्रम रूप में प्रकट होते हैं। यज्ञ शुरू हुआ, राम लक्ष्मण धनुष लेके खड़े हो गए जागृत रह, हर क्षण हर पल सोए नहीं, विश्राम नहीं लिए। 5 दिन बीत गए, वो नहीं आए राक्षस। छठवां दिन जब पूर्णमति होनी है यज्ञ की, मतलब उतना श्रम होना चाहिए राक्षसों का उद्देश्य, फिर पूरा गर्त करना, तब तक राक्षस सब आ गई। बादल के जैसा, काले काले बादल के जैसा आसमान पूरा भरा है राक्षसों से। उससे पहले ही राम कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण को, तैयार रहो, ये समय है, सूचना जो है, शकुन जो मिल रहा है, तो अब होगा युद्ध। अभी मारी सुबह हो, सारे राक्षस आ गए, तो युद्ध चला। युद्ध का खेल चला कह सकते हैं, लीला के जैसा युद्ध चला है। कुछ ही देर में सारे राक्षसों का संहार हो गया। वायु व्यास ने प्रयोग किया, सर्व राक्षस संहार, परंतु एक को बचाते हैं राम। कहते भी लक्ष्मण को, देखो इसको मारना नहीं चाहता, बाकी सबको मार डालो। कौन था वो? मरीज। इनकी सेवा है बाकी बाद में, कुछ लोगों को वहां भी रखा है, कहा रावण के साथ भी कुछ लोगों को रखा है, तुम्हारी सेवा वहां से, वहां खड़े होकर सेवा करनी है। था दुष्ट वो अलग बात है, परंतु वो भी साधन था, रामायण का एक प्रमुख साधन, मुख्य साधन था, उनके बिना रामायण नहीं होगा, रावण संहार नहीं होगा। इसलिए स्वयं दूर फेंकता है, फेंकते हैं भगवान मरीज को समुद्र में, मारते नहीं है। ये एक बार नहीं, दो बार ऐसा होता है, आगे वनवास में भी वो मरीज मिलता है। उनका स्वभाव होता अलग अलग रूप धारण करके सज्जनों को मारना, वो उनका दो सहचर 3 दुष्ट मृग के रूप में, घोर मृग के रूप में राम सीता लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण करते हैं। राम ने 3 बाण छोड़ा, 2 सहचर परास्त हो गए, मर गए, इसको जीवित रखा। उसके बाद जो राम भक्त बनता है हमारे, वो जो दूसरा बार बाण जब लगा तब उसका पूरा पाप मिटता है, वो राम भक्त बनता है उसके बाद में। इसे 2 बार जो रक्षण किया उसी से पता चलता है हमको उद्देश्य कोई और है। तो एक साधन सृष्टि में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उपयोगी नहीं है, हर वस्तु उपयोगी है। एक श्लोक सुभाषित है, बहुत सुंदर है सुभाषित, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। सुने होंगे ना आप सब श्लोक, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर कोई वर्ण ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है। हर वर्ण मंत्र है, आई उरु का घन, हर वर्ण आ से ज्ञा तक हर वर्ण मंत्र है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई जड़ी बूटी ऐसे नहीं है, कोई सस्य ऐसे नहीं है जो औषध नहीं है, जो दवाई नहीं है। हर जड़ी बूटी दवाई है। कोई पुरुष या कोई स्त्री ऐसे नहीं है जो अयोग्य है, किसी चीज में काम नहीं आते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार। योजक तथा दुर्लभ, योजक दुर्लभ है, समझ के इस अक्षर को ऐसे मंत्र के रूप में उपयोग करना, इस अक्षर को ऐसे उच्चारण करने से मंत्र बनेगा, इस जड़ी बूटी को, इस सस्य को इस रोग में काम लाना, ऐसे उपयोग करने से ये बीमारी ठीक हो सकता है इससे। और ये आदमी स्त्री हो पुरुष हो इस काम में उपयोगी होंगे, ऐसे उपयोग करना।
ये जानने वाला, ये प्रयोग करने वाला, योजक, योजना करने वाला, वो दुर्लभ है। वो होने से उसी को गुरु कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। वो होने से हर वस्तु उपयोगी है, हर व्यक्ति उपयोगी है। इसलिए कह रहे हैं मारीच भी उपयोगी है, राम के काम में, भगवान राम के काम में मारीच भी उपयोगी है, जो रावण के साथ है वो भी उपयोगी है। इसलिए दो बार उसको बचाया, तीसरा बार मोक्ष दिलवाया। काम हो गया तुम्हारा, अब जाओ। तीसरा बार मोक्ष दिलवाया तो ये यज्ञ की रक्षा हो गई। अब काम तो हो गया, जिस काम से लेके आया था राम लक्ष्मण दोनों को, दशरथ को जो काम कहा था विश्वामित्र ने, वो काम तो पूरा हो गया। अभी वापिस भेजना है अयोध्या में, भेजते नहीं है विश्वामित्र। दूसरा दिन सुबह, मतलब वो जब राक्षस संहार जब हुआ, यज्ञ की पूर्णा होती हुई, उसका दूसरा दिन सुबह राम लक्ष्मण आके चरण स्पर्श करते हैं विश्वामित्र जी का, पूछते हैं क्या आज्ञा हो गया काम, फिर क्या आज्ञा है। विश्वामित्र जी साथ में ऋषियां तेरे कहते हैं थोड़ा और काम बाकी है, मिथिला जाना है, वहां यज्ञ चल रहा है, इधर का अद्भुत, हम सब वहां जाने वाले हैं। यज्ञ में क्षत्रिय का क्या क्या कहते हैं, वहां एक धनुष है अद्भुत, वो देखोगे, अद्भुत धनुष, शिव धनुष, तो वो एक मौका है, इसलिए हम सब साथ जाएंगे वहां, ठीक है। राम ने कहा हाँ ठीक है, चलेंगे आपके साथ, चलें। विश्वामित्र जी, राम, लक्ष्मण 100 बैलगाड़ी पीछे से चले, विश्वामित्र की 100 बैलगाड़ी पर ब्रह्मवादियां महर्षियां के पीछे बैलगाड़ी में चलते हैं सब। ये आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य की बात यह था जितने मृग पक्षियां थे वहां वो सब साथ चलते, आश्चर्य लगा। अल्प समय में इतना प्रेम हुआ था किसको, मृग पक्षियों को, विश्वामित्र जी के साथ और राम लक्ष्मण के साथ, वो इनके बिना नहीं रह सकते, वो अपने आप पीछे जा रहे हैं सारे। वहां जितना जितने मृग पक्षी या जीव प्रभेद थे वह सब साथ में आ रहे हैं। इसको आत्मविस्तरण कहते हैं, आत्मविस्तरण कहते हैं, ये शब्द याद रखो, आत्मविस्तरण। हमारे आत्मा की यात्रा कितनी है हम सब की, हमारे पांव से सर तक, अगर यहां कुछ लगेगा तो दर्द होगा आपको, सुख या दुख यही महसूस होगा आपको। अगर शरीर में कुछ अच्छा हो जाए, सर्दी में थोड़ा गर्म चीज मिले तो चमड़े को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, ऐसे कोई सुख दुख महसूस होता है सिर्फ इतने में, पांव से सर तक। हमारी आत्मा की व्याप्ति इतनी है, परंतु उनकी आत्मा की व्याप्ति इतनी नहीं है, और आगे और आगे और ज्यादा। और किसी को कुछ हो तो यहां दुख होता है, ये देखो थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में भी है, सिर्फ हमें नहीं, अगर हमारे पत्नी को कुछ हुआ तो हमें भी कुछ होता है, पुत्र को कुछ हुआ तो कुछ होता है, अगर घर बाड़ी में दिया है घर को, वो ये करना शुरू किया वो, तो हमें लगता है यहां हो रहा है, हमारे दिल में हो रहा है, क्यों, उतना तक है आत्मविस्तार। हमारे पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे घर, वहां तक है आत्मविस्तार। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज, उसमें आता है तो एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, कुछ नहीं होता आपको, कुछ नहीं होता। अगर हमारे गांव का नाम लिखा है उसमें थोड़ा होता है, क्या है देखो भाई थोड़ा, अगर वो लिस्ट में सूची में हमारे कोई मित्र है, हमारे कोई संबंधी है, एक्सीडेंट जिनको हुआ उस लिस्ट में, तो बहुत कुछ होता है, क्यों, आत्मविस्तार वहां तक है, उससे आगे नहीं है।
परंतु महापुरुष ऐसे नहीं है, महापुरुष ऐसे नहीं है। रामायण में ही आता है, मुनि से कुशल प्रश्न कैसा करना, तपस्या कैसे है आपकी, अग्निहोत्र कैसा है, शिष्य कैसे है, मृग पक्षी कैसे हैं आश्रम के, वनस्पति कैसे हैं, इतना पूछना पड़ता है रामायण में। ये क्यों, वहां तक है आत्मविस्तार। जो शिष्य है, जो मृग पक्षी है, जो वनस्पति है, सब में आत्मविस्तार है। अगर वहां कुछ हुआ तो यहां कुछ होगा उसका कारण, अगर कोई वहां दुखी है यहां दुख होगा, उसका प्रतिफल यहां होगा। राजा भी वैसे रहना, देश ही देह होना चाहिए राजा बनने के लिए, देश ही देह होना चाहिए। अगर देश में कुछ हुआ तो इनको कुछ होना चाहिए। परिवार, पुत्र मित्र इतना नहीं, सेना, कोष, मंत्री, प्रजा, इतने इनको प्रकृति कहते हैं। अगर कुछ हुआ तो कुछ होना चाहिए, तो देश ही जिसका शरीर है वो है राजा असली में। और ये वनस्पति, मृग पक्षी, ये सारे जिनका शरीर है, सारे जीव राशि जिनका शरीर है, आत्मविस्तरण वहां तक है, उनको मुनि कहते हैं। इसलिए अल्प समय में भगवान राम के साथ, विश्वामित्र के साथ इतनी मैत्री हो गई थी, तो मृग पक्षी सारे सारे इनके साथ चलते हैं। विश्वामित्र को बहुत मुश्किल से लौटाना पड़ता है, मतलब वापिस भेजना पड़ता है, नहीं वहां नहीं है ना, कोई रहो ऐसे कहना पड़ता है। तो ये सीखने की चीज है रामायण से, आत्मविस्तार करो, खूब आत्मविस्तार करो। राम भी वैसे थे, व्यसनेश मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः, रामायण का वाक्य है। अगर किसी का कुछ कष्ट हुआ तो दुखी होते थे वो स्वयं। उत्सव है परिसंप्राप्ति, पिता भी परिदृश्यते, अगर किसी के घर में उत्सव है तो पिता के जैसा खुश होते थे। इसको दया कहते हैं, पर दुख दुखित्वं, पर दुख प्राण इच्छा, किसी का दुख से दुखी होना, किसी का दुख का परिहार करना चाहना, इसको दया कहते हैं। विश्वामित्र जी चल रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण साथ चल रहे हैं मिथिला की ओर, रास्ते में कई कथाएं बोलते हैं विश्वामित्र, कई कथाएं, स्वयं की कथा, कार्तिकेय की कथा, सागर वृत्तांत, गंगावतरण, समुद्र मथन, और कई कथा, त्रिशंकु, कई कथाएं बोलते। रात भर, दिन भर यात्रा, फिर रात में बैठते हैं विश्वामित्र जी, बैठते हैं साथ में राम लक्ष्मण, रात सुबह तक कथा। हम जब वो देख रहे थे, हमको लग रहा था हम विश्वामित्र के स्थान में हैं, क्योंकि हम कथा कर रहे हैं ना, तो आप और बड़े स्थान में हैं, आप श्री राम लक्ष्मण होंगे, आप कथा सुन रहे हैं। यह था वहां, विश्वामित्र कथाकार थे, श्रोता राम लक्ष्मण थे, रात भर कथा चलता था, संतों का समाज रहता था, सुंदर सुंदर कथाएं रामायण का इस भाग में, बात करने में। कथा कितना सुंदर चीज है, क्योंकि कथा शिक्षा है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, कहां से हमारा समझ में आए। आपने, आपके जो जो माँ बाप है उनका शादी देखा है क्या? वो बच्चा पूछता है माँ बाप को, पूछता है माँ बाप का शादी का फोटो है, दोनों साथ में है, बच्चा पूछता है मेरी क्यों नहीं है, मेरे फोटो क्यों नहीं है, पूछता है। वो सवाल पूछ रहे हैं, कोई माँ बाप का दया देखा है क्या? अपना अपना नहीं, संसार का जो माँ बाप है, जननी जनन की, विश्व का जो जननी जनन के, उन दोनों का विवाह, तब जो जितने लोग थे संसार में वो सारे देखेंगे, हम भी देखेंगे, कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे। हरे राम। राम दूत अतुलित बन जावा, अनंत जीव प्रभु सुजनावा।
जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो ससवार पाठ कर कोई छूट भी बड़ी बाँ ससुरो कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। वाल्मीकि गिरि सम्भवता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी।